एतमादपुर के नाम पर विधानसभा के हैं और कस्बा एतमादपुर के मुसलमान के नाम में जितने भी लोग हैं सब ने एक मन बनाया है कि हमारा पुराने प्रत्याशी जो है आपके के नाम है माननीय एसपी सिंह बघेल जी, वो हमारे के नाम है जाने पहचाने हैं, जो हमें उनको पहचानने की जरूरत है। एतमादपुर विधानसभा में पूरे लोकसभा के अंदर एसपी सिंह बघेल साहब ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और हमेशा साथ खड़े रहते हैं हर समाज के लिए, खासतौर से मुस्लिम समाज का उनका विशेष ध्यान रहता है। 2,50,000 रुपया मिला है हमें, हाँ, और खूब बढ़िया पेंशन मिल रही है हमें, वापस हो सकता है। हाँ, अरे चोरी यही बनेगी तो कुछ नहीं किया मोदी जी ने, नहीं सब कुछ करा, कौन क्या किया, कौन काम तुम कर रहा होगा, भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है। जो अपराधी लोग हैं भाई उनके साथ तो करेगी सरकार भेदभाव, लेकिन और समाज है सब बढ़िया है और खास करके एसपी सिंह का ध्यान बहुत है एतमादपुर की तरफ। आपकी बार एसपी सिंह 5 लाख से पार। किन मुद्दों से लग रहा है आपको? मुद्दों से हर व्यक्ति की संतुष्ट करना, हर व्यक्ति की शिकायत को सुनना, हर व्यक्ति की समस्या को सुनना और खासकर मुस्लिम समाज के लिए उनका बहुत दिल। खासतौर से भाजपा पार्टी ने किसी को भेदभाव नहीं किया है, खासतौर से मुस्लिम समाज को भी ये काम करने का मौका दिया है। दुर्व्यवहार करते हैं मुस्लिम समुदाय को, वो बुलडोजर नीति से डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा नहीं है। हर इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो तो एक अपराधी तत्व के लोग हैं उनके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई मुसलमान पार्टी से पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के लिए बुरी नहीं है, जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके लिए बुरी है। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर है और आज हम लोगों से जानेंगे कि इस एतमादपुर की लोकसभा में, यानी हम बात करें कि क्या हालचाल है और मुस्लिम समुदाय इस बार किसके साथ जा रहा है, क्योंकि बार बार सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग किधर जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे मुस्लिम लोग हैं। मैं कहूँगा पहला दिखाए भाई कैमरा से कि यहाँ कोई किसी के कहने से नहीं हुआ, सब अपने मन से आए हुए हैं, इन सब से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद कुरैशी, पूर्व सभासद एतमादपुर। राशिद जी, एक सवाल पैदा हो रहा है, इस बार मुस्लिम समुदाय किसके साथ जा रहा है और क्यों जा रहा है? देखिए, हम जो आज मुस्लिम समाज जो एक साथ यहाँ पर एतमादपुर के नाम पर विधानसभा के हैं और कस्बा एतमादपुर के मुसलमान के नाम में जितने भी लोग हैं सब ने एक मन बनाया है कि हमारा पुराने प्रत्याशी जो है आपके के नाम है माननीय एसपी सिंह बघेल जी, वो हमारे के नाम है जाने पहचाने हैं, जो हमें उनको पहचानने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हर के नाम है दुख सुख में आने वाले के नाम है सदस्य हैं, वो कभी भी किसी के लिए आधी रात को खड़े रहते हैं। तो इसलिए इस बार मुस्लिम समाज ने मन बनाया कि हम जो वोट हैं अपने एसपी सिंह बघेल के मतदान करेंगे। सरकार का काम कैसा रहा है पिछले कई वर्षों में, आपने देखा है क्या सरकार का कोई दुर्व्यवहार रहा है मुस्लिम समुदाय के लिए या फिर कोई सरकार ने जमीन पर काम नहीं किया? नहीं, सरकार की जो नीति है सरकार ने अपना काम किया, जो सरकार का तरीका काम करने का है, और सरकार हर आदमी को संतुष्ट तो नहीं कर पाएगी, सरकार हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। जो सरकार का काम था जो करा, जहाँ तक योजना पहुँच रही थी वहाँ तक सरकार की योजना पहुँची। अच्छा, आप थोड़ा सा, मैं सवाल जेनुअल आपके लिए है कि मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है कि बुलडोजर नीति योगी सरकार की बहुत बेकार है, उस पर क्या सवाल है, क्या जवाब है? देखिए, ये तो आपका एक नाम एक बड़ा मुद्दा है, योगी जी का जो है बुलडोजर का जो चलने का जो है उनका, वो इस तरीके का, अगर कोई अपराधी है और जिसने अपराध करे हैं, जितने घटनाएं करी हैं या किसी ने किसी के मर्डर करे हैं या कोई कहना में इतना खतरनाक अंजाम दिया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो सही है, और जो कहना अनजाने व्यक्ति के लिए अगर कोई किसी का घर या वो तोड़ा जाए वो गलत है, वो जो अपराधी है उसके लिए तो सख्त, और अपराधियों के साथ में ये भी एक अपराधी भयभीत भी है। ठीक है, अच्छा इस बार क्या लग रहा है कि मोदी सरकार वापसी आ रही है जा रही है? देखिए, ये तो क्या नाम एक मतपेटी का काम है और क्या नाम है, ये तो वोट जो है जनता के दिल के अंदर है कि कहता कुछ और डालता कुछ है। अब ये तो क्या नाम है, आने वाला वक्त ही समय बताएगा कि मतदान के नाम किस तरफ ज़्यादा झुकान है उसका। लग रहा है कि आपका समाज पूरा साथ दे रहा है? नहीं, हम तो पूरा समाज के नाम हमारा तन मन धन से क्या नाम है एसपी सिंह बघेल साहब के साथ में है। अच्छे काम किए मंत्री जी ने? बिल्कुल, बहुत अच्छे काम किए हैं और खासतौर से एतमादपुर विधानसभा में पूरे लोकसभा के अंदर एसपी सिंह बघेल साहब ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और हमेशा साथ खड़े रहते हैं हर समाज के लिए, खासतौर से मुस्लिम समाज का उनका विशेष ध्यान रहता है। जब भी कोई अपनी परिभाषा विविधता लेके पहुंचता है उनके दरबार में तुरंत वो हाजिर होते हैं और अपनी उंगली से हमेशा काम करते हैं अपनी कलम से। ऐसा तो नहीं कि दुर्व्यवहार हुआ हो सरकार के द्वारा, दुर्व्यवहार हो जैसे मकान मिल रहे हो तो वो कस्बे में मकान मिले हैं मुस्लिम? बिल्कुल मिले हैं, खासतौर से आवास योजना मुस्लिम समाज के लोगों पर जहाँ जो जिसके चाहता है और वहाँ तक योजना पहुँची है और बहुत अच्छे कार्य किए हैं। पार्टी का बहुत बढ़िया काम रहा है, खासतौर से भाजपा पार्टी ने किसी को भेदभाव नहीं किया है, खासतौर से मुस्लिम समाज को भी ये काम करने का मौका दिया है।
बोला तो ये जा रहा है कि दुर्व्यवहार करते हैं मुस्लिम समुदाय को, वो बुलडोजर नीति से डराते हैं, धमकाते हैं। ऐसा नहीं है, हर अस्पताल के लिए नहीं है, वो तो एक अपराधी तत्व के लोग हैं उनके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई मुसलमान पार्टी से पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के लिए बुरी नहीं है, जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके लिए बुरी है। इस बार मोदी जी वापस आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं और अच्छे बहुमत से आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा गेन करेंगे इस बार। विपक्ष कहाँ चला जाएगा? विपक्ष तो खत्म से है और इस बार और ज़्यादा खत्म हो जाएगा मेरी समझ से। अखिलेश जी तो कहते थे को डरा के मुसलमानों को लिया जा रहा है साथ। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम समाज तन मन धन से भाजपा के साथ है, भाजपा ने मुस्लिम समाज को कोई भेदभाव से काम नहीं किया है, सभी को एक समान काम किया है, चाहे आवास योजना हो, इसके अलावा कोई भी योजना हो, दोनों को बराबर का काम किया है। क्या नाम? मेरा नाम मुबीन मोहम्मद मुबीन। आप एज्ड फुल हो, आपकी एज है उस पड़ाव पर हो, लेकिन आज आपका दिल क्या कह रहा है, भाजपा सरकार ने सही काम किया या नहीं किया? नहीं, सही काम किया। अच्छा। हाँ, कोई भेदभाव नहीं, ये कहते हैं का भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जो अपराधी लोग हैं भाई उनके साथ तो करेगी सरकार भेदभाव, लेकिन और समाज है सब बढ़िया है, और खास करके एस पी सिंह का ध्यान बहुत है अहमदपुर की तरफ। अच्छा काम, सुकून में जिंदगी। हाँ, सुकून में। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई परेशानी भी हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने वाली बात है, कुछ नहीं है, सही। क्या नाम भैया आपका? मुफीज खान सभासद। सभासद जी, क्या लग रहा है इस बार आपके लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय एस पी सिंह जी वापस कर पाएंगे? लग रहा है मुझे पार, अब की बार एस पी सिंह 5 लाख से पार। किन मुद्दों से लग रहा है? मुद्दों से हर व्यक्ति की संतुष्ट करना, हर व्यक्ति की शिकायत को सुनना, हर व्यक्ति की समस्या को सुनना, और खासकर मुस्लिम समाज के लिए उनका बहुत दिल है। ठीक है। अभी भी एक मुद्दा था, लाउड स्पीकर का मुद्दा था। लाउड स्पीकर हमारा प्रशासन परेशान कर रहा था, उन्होंने खुल के मदद की, वरनी आप पे परमिशन है बंद कराने की, 1.5 मिनट की परमिशन नहीं दे सकते आप। ठीक है। तो खुल के मदद करती है मुस्लिम समाज की, और भया योजना का नाम तो मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को हर योजना का लाभ मैंने खुद दिलवाया है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड योजना ले लो, राशन कार्ड योजना ले लो, उज्ज्वला योजना ले लो, आवास योजना ले लो, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को आवास मिले। मोदी जी वापस कर पाएंगे? मोदी जी वापस कर रहे हैं पूरी तरह से वापस, लेकिन वो कह रहे हैं बुलडोजर तो मुस्लिम समुदाय पे ही चल रहा है। नहीं, बुलडोजर सब पे चल रहा है, बुलडोजर सब पे चला था, विकास दुबे पे भी चला था, धन्ना जय पे भी चला था, सब पे बुलडोजर चल रहा है। मुख्तार अंसारी अभी कल जेल में ख़त्म हुए, कैसे हुए ये तो राम जाने, लेकिन आपको क्या लगता है जो सरकार ने जहर देने का काम किया है, क्या ऐसा? अब वो तो उनके परिजन है, वो परिजनों को मालूम होगा, हमसे बेहतर हम तो नहीं जानते। लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष में बैठे नेता सवाल उठा रहे हैं कि जहर दे। अब उनको विपक्ष को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए ना। अखिलेश जी राहुल जी साथ मिले हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत मजबूत? एक बार पहले भी जोड़ी बनी थी, दो लड़कों की जोड़ी फेल हो गई थी, इस बार भी फेल है। इस बार फेल मान रहे हो? दादा क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन नाम है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार बनाई है। कोई फायदा मिला है सरकार से? हाँ, जो पूरा पूरा फायदा मिला भैया। क्या क्या मिला? हमें तो खूब 2.5 लाख रुपया मिला साहब, हमारे टूटे घर पे हमारे 2.5 लाख रुपये मिल गए। और क्या? अच्छा। और क्या? और साहब हम तो एक में ले लो चाहे 100 में ले लो, हम तो राशन से ही खुश हो गए। हाँ, और 2.5 लाख रुपया मिला है हमें। हाँ, और खूब बढ़िया पेंशन मिल रही है हमें, वापस हो सकता है। अरे चोरी यही बनेगी, कुछ नहीं किया मोदी जी ने? नहीं, सब कुछ करा। कौन क्या किया? कौन? हम तुमसे लड़ पड़ेंगे जमात पे। क्यों लड़ लोगे? चौक सरकार बढ़िया है। विपक्ष में बैठे नेता कहते हैं सारा देश बेच रहे हैं, जो नेता है हम पब्लिक के अब तो पूछो सच्ची बात। सही किया मोदी जी, सही करा। इतनी मेरी जिंदगी में कोई राजा ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई राजा नहीं हुआ। हम तो भैया ने भी तो विकास वो को कुछ भी हो, हम ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे नियम तो यही बढ़िया है राजा। अच्छा काम किया दादा। क्या नाम है आपका? लियाकत। लियाकत जी, क्या रहा सरकार का, कैसा काम रहा? भैया सही रहा है, बढ़िया काम किया। हम तो इसी देखते भैया बहुत। अच्छा, सांसद जी ने काम किया तुम्हारे? कौन है सांसद? एस पी सिंह है। अच्छा, काम कर रहे हैं? हाँ, खूब कर रहे हैं। हमारे साथ तो नहीं बांट रहे हो? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या कहोगे आप? हाँ, 2.5 लाख रुपया दिया है, खूब राशन बांट रहा है, बढ़िया काम करा है मोदी जी ने। 2.5 लाख रुपया मिला? हाँ मिला, 2.5 लाख मिला हमको भी। अच्छा, पूरा मिल गया? हाँ मिल गया था। ये तमाम सारे युवा हैं, क्या लग रहा है आपको? तुम्हारा तो वोट नहीं आया होगा। क्या नाम है आपका? मिस्टर अनस खान। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार है। क्यों आ जाएगी? बिल्कुल आ गई सर। क्या कारण बताओ? देश में काम हो रहा है ना, जो आगरा में भी काम हो रहा है, और भी ये राशन वगैरह बढ़ रहा है, 2.5 लाख रुपये मिल रहा है, और भी योजना आ रही हैं जो हमें भी मिलती हैं, सबको एक बराबर देखा जा रहा है, है। बिल्कुल मिलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि युवा इस बार मोदी जी के साथ है ही नहीं मुस्लिम। कौन कह रहा है सर? विपक्ष में बैठे नेता कह रहे हैं वो उंगली साथ रहे। वो तो एक दूसरे को उंगली उठाते हैं ना सर। ठीक है। वो तो एक दूसरे को उंगली उठाते हैं,
जो तो हमें मालूम है ना, हम बैठे हुए हैं, किसे वोट देना, किसको नहीं दे रहा, कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा लग रहा है। इस बार बिल्कुल जीतेगी, 400 पार कर रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या काम अच्छा लगा आपके मोहल्ले में, वो मिले आवास योजना मिली क्या? बिल्कुल मिला, आवास योजना ही मिले, आयुष्मान कार्ड भी बने, हमारे लिए ही बने, वो तो सबके लिए बने, जो हर पार्टी ने दिए वो हमें मिले, यानी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। तो ये तमाम सारे युवा और मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्होंने बेबाक राय खबर एक्सपर्ट पर दी। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट, धन्यवाद।